अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, टैग टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो से मैं हूं निमरा कवल। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मुतालिक बड़ा ऐलान। एआई के शोबे में सरमायाकारी के लिए 2.4 बिलियन डॉलर का ऐलान। ट्रूडो का कहना है कि हुकूमत 50 मिलियन डॉलर का एआई सेफ्टी इंस्टीट्यूट शुरू करने का इरादा रखती है। भारत ने कनाडा के इंतखाबात में गैर मुल्की मुदाखलत के इल्ज़ामात को बेबुनियाद करार दे दिया। भारतीय हुकाम का कहना है कि कनाडा भारत के मामलात में मुदाखलत करता है। ट्रूडो का कहना है कि अपने लोगों को महफूज बनाने के लिए इकदाम करते रहेंगे। लाखों अमरीकी मुकम्मल सूरज ग्रहण देखने के लिए बेताब। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में रवां साल का पहला सूरज ग्रहण आज होगा। कनाडा में सूरज ग्रहण का नायाब नज़ारा, लाखों सयाहों की आमद मुतवक्के। यूक्रेन को रूस से समझौता करना पड़ेगा। नेटो सेक्रेटरी जनरल का कहना है कि कीव को किसी रियायत की तरफ नहीं धकेल रहे, मगरिब को तवील मुद्दत में यूक्रेन की हिमायत करनी चाहिए। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। Eco Fresh detergent strip into the washer for a convenient, eco-friendly yet powerful wash. Hypoallergenic, safe for sensitive skin. Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane, and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. क्या आप कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप लेना चाहते हैं या कनाडा में स्टडी करना चाहते हैं? लाइटो इमिग्रेशन न सिर्फ आपको कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप दिलवाने में आपकी मदद कर सकते हैं, बल्कि आपको कनाडा में सेटल और इन्वेस्ट करने के रास्ते भी सुझा सकते हैं। Lito Immigration is a regulated Canadian immigration consultant. We deal in study, work, PNP and PR visas. Get startup visas, work permit and business visas. We rise by lifting others. Lito Immigration. कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो ने ऐलान किया है कि लिबरल हुकूमत मस्नूई ज़हानत में सलाहियत बढ़ाने के लिए अपने आइंदा बजट में 2.4 बिलियन डॉलर मुख्तस कर रही है। मज़ीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो ने ऐलान किया है कि लिबरल हुकूमत मस्नूई ज़हानत में सलाहियत बढ़ाने के लिए अपने आइंदा बजट में 2.4 बिलियन डॉलर मुख्तस कर रही है। इसका बड़ा हिस्सा 2 बिलियन डॉलर एक फंड में जा रहा है, जिसका मकसद कंप्यूटिंग की सलाहियतों और तकनीकी इंफ्रास्ट्रक्चर तक रसाई फराहम करना है। ट्रूडो ने यह ऐलान प्री बजट टूर के एक हिस्से के तौर पर मॉन्ट्रियल में किया। उन्होंने कहा कि विफाकी हुकूमत जल्द ही एक नए AI कंप्यूट एक्सेस फंड और कनाडा में इस शोबे को वसत देने की हिकमत अमली पर सनत के साथ मशावरत शुरू करेगी। ट्रूडो ने कहा, हम कंपनियों को AI को इस तरीके से अपनाने में मदद करना चाहते हैं जिसके हर एक पर मुस्बत असरात मुरतब हों। उन्होंने मजीद कहा कि ज़रात, सेहत की देखभाल और साफ टेक्नोलॉजी जैसे शोबों में AI को अपनाने के लिए 200 मिलियन डॉलर खर्च किए जाएंगे। हुकूमत 50 मिलियन डॉलर का AI सेफ्टी इंस्टीट्यूट शुरू करने का इरादा रखती है, जो इसे जदीद या नाकिस AI सिस्टम्स कहती है, और 5.1 मिलियन डॉलर मुजवजा मसनू जहानत और डेटा एक्ट को नाफिज करने के लिए AI और डेटा कमिश्नर के दफ्तर की तरफ जाएंगे। भारतीय हुकूमत कैनेडियन खुफिया एजेंसी के इन इल्ज़ामात की तर्दीद कर रही है जो उसने कैनेडा के पिछले 2 इंतखाबात में मुदाखलत की थी। मज़ीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। भारतीय हुकूमत कैनेडियन खुफिया एजेंसी के इन इल्ज़ामात की तर्दीद कर रही है कि उसने कैनेडा के पिछले 2 इंतखाबात में मुदाखलत की थी। कैनेडा की जासूसी एजेंसी की दस्तावेजात जो कैनेडा के इंतखाबात में गैर मुल्की मुदाखलत की तहकीकात के दौरान मंजर आम पर आई, उनमें भारत और पाकिस्तान को 2 हुकूमतों के तौर पर नामजद किया गया है जो 2019 और 2021 के वोटों को मुतासिर करने की कोशिशों में मुलविस हैं। हिंदुस्तान की वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने ओटावा में हिंदुस्तानी हाई कमीशन की तरफ से कैनेडियन मीडिया को भेजे गए एक बयान में कहा, हम कैनेडा के इंतखाबात में हिंदुस्तानी मुदाखलत के ऐसे तमाम बेबुनियाद इल्ज़ामात को सख्ती से मुस्तरद करते हैं। ये बयान फरवरी में हिंदुस्तानी हुकूमत की तरफ से दिए गए बयान से मिलता जुलता है। दूसरे ममालिक के जमहूरी अमल में मुदाखलत करना भारतीय हुकूमत की पॉलिसी नहीं है, हकीकत में इसके बिल्कुल बरक्स ये कैनेडा है जो हमारे अंदरूनी मामलों में मुदाखलत कर रहा है। हम इस मामले को उनके साथ
बाकायदगी से उठाते रहे हैं। कनाडा से मुतालबा करें कि वो हमारे बुनियादी खदशात को दूर करने के लिए मौसर इकदामात करे। कैनेडियन सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विस के दस्तावेजात में हिंदुस्तान पर 2021 में मदाखलत का इल्ज़ाम लगाया गया था, जब उसने मदाखलत करने का इरादा किया था और मुमकिन तौर पर खुफिया सरगर्मियाँ की थीं। वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने जुमे को कहा कि हुकूमत कैनेडा को इंतखाबात में गैर मुल्की असर व रसूख से बचाने के लिए इकदाम करती रही है। उन्होंने कहा, हम कई सालों से जानते हैं कि बहुत से मुख्तलिफ ममालिक कैनेडा के इदारों में शामिल होने में दिलचस्पी लेते हैं और कभी कभी कैनेडा के इदारों के काम में असरअंदाज होते हैं, कभी मदाखलत करते हैं। उन्होंने कहा, मैं लोगों को यकीन दिलाता हूँ कि हम हर वो काम करते रहेंगे जो किसी भी मुल्क से आए मदाखलत को रोकने के लिए ज़रूरी है। कनाडा में नियाग्रा फॉल्स के मेयर ने सूरज ग्रहण का नज़ारा करने के लिए आने वाले सयाहों की आमद से कबल शहर में हंगामी सूरत हाल नाफिज कर दी है। मज़ीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। कनाडा में नियाग्रा फॉल्स के मेयर जिम डेविडाटी ने सूरज ग्रहण का नज़ारा करने के लिए आने वाले सयाहों की आमद से कबल शहर में हंगामी सूरत हाल नाफिज कर दी है और मकामी पुलिस ने भी ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए खसूसी प्लान तैयार किया है। मुकम्मल सूरज ग्रहण के मौके पर कनाडा के शहर नियाग्रा फॉल्स में लाखों अफराद की आमद मुतवक्के है। मेयर के मुताबिक नियाग्रा फॉल्स की तारीख में पहली बार सबसे ज़्यादा अफराद जमा हो रहे हैं जो सूरज जैसा लिबास पहनकर आलम रिकॉर्ड कायम करेंगे। उनका कहना है कि शहर के होटल्स के तमाम कमरे बुक हैं और लोगों ने पार्कों में भी कैंप लगा लिए हैं। मेयर ने एहतियाती तदाबीर जारी करते हुए तमाम सयाहों को खबरदार किया है कि वो मुकर्रर औकात में खास ऐनकों के बगैर सूरज को ना देखें। याद रहे कि नेशनल जियोग्राफिक ने मुकम्मल सूरज ग्रहण को देखने के लिए नियाग्रा फॉल्स को बेहतरीन मकाम करार दिया है। नेटो के सेक्रेटरी जनरल ने कहा है कि तनाज़ा के खात्मे के लिए यूक्रेन को रूस के साथ समझौता करना पड़ेगा। मज़ीद अहवाल इस रिपोर्ट में। नेटो के सेक्रेटरी जनरल जेंस स्टोल्टनबर्ग ने कहा है कि तनाज़े के खात्मे के लिए यूक्रेन को रूस के साथ समझौता करना पड़ेगा। नेटो के सेक्रेटरी जनरल जेंस स्टोल्टनबर्ग ने एक इंटरव्यू में वाज़ह तौर पर कहा है कि रूस के साथ तनाज़े के खात्मे के लिए यूक्रेन को बिलआख़िर किसी किस्म के समझौते पर रजामंद होना पड़ेगा। नेटो सेक्रेटरी जनरल का कहना था कि अब ये यूक्रेन पर मुनहसिर है कि वो रूस के साथ कब और किन हालात में अमन की कोशिश करेगा। ये फैसला यूक्रेन को करना चाहिए कि वो किस किस्म के समझौता करने के लिए तैयार है। स्टोल्टनबर्ग ने कहा कि वो कीव को किसी रियायत की तरफ नहीं धकेल रहे, लेकिन मगरिब का किरदार कीव को एक ऐसी मुज़ाकराती पोजीशन तक पहुँचने में मदद करना है जिसे कोई काबिल कबूल नतीजा निकल सके। ताहम इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि हकीकी अमन सिर्फ यूक्रेन की फतह से हासिल किया जा सकता है। नेटो सेक्रेटरी जनरल ने मजीद कहा कि मगरिब को तवील मुद्दत में यूक्रेन की हिमायत करनी चाहिए, चाहे हमें मुस्तकबिल करीब में जंग ख़त्म होने का यकीन हो। मगरबी ममालिक को कीव की दिफाई सलाहियतों में सरमायाकारी करनी चाहिए ताकि मुस्तकबिल में लड़ाई की सूरत में इसे मजीद मजबूत बनाया जा सके। टैग टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। अपनी मेज़बान निमरा कवल को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।